हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप जब भी कुछ पुराना खा के बोर हो चुके हों तो इस प्यारी सी नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे मैंने गेहूँ के आटे से बनाया हुआ है। तो चलिए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, जिसमें मैंने 1/2 कप गेहूँ का आटा ऐड किया है, और इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम हम सूजी ऐड करेंगे, और इसमें 2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और इसके बाद हम 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इन्हें अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। अच्छे से मिल जाने के बाद हम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो आटा आप सॉफ्ट ही बनाइए, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है, तो सूजी थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब करेगी। तो आप सॉफ्ट आटा इसका लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट ढक के रख देती हूँ। तो चलिए हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में, और मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। मैंने मटर ऐड किया हुआ है फ्रेंड 1/4 कप, और मैं इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने बॉयल आलू लिया था मैश करके, उसे मैंने ऐड कर दिया है। तो इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच थोड़ा सा चाट मसाला डाला हुआ है, और ये स्वाद के अनुसार नमक आप ऐड कर दीजिए, और इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए। तो ये सब डालने के बाद आप 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से मिला के पका लीजिए। तो फ्रेंड्स, आलू हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे प्लेट पे निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसे ठंडा होने के लिए आप जरूर रख दीजिए, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी इसकी फिलिंग कीजिएगा। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और आटा भी हमारा सेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा और मैश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैश करके आप पूड़ियों के जैसे इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए, और इसकी इन सबको मैं पूड़ियों के जैसा बेल लूंगी, छोटी छोटी जैसे हम पूड़ियां बेलते हैं, और इन्हें पतला ही रखेंगे, बहुत मोटा नहीं करेंगे, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप सारे बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग कर रही हूँ, तो इसमें चारों तरफ से आप पानी लगा लीजिए हल्का हल्का सा, ताकि ये अच्छे से चिपक पाए। तो यहाँ पे हम अपनी स्टफिंग को रखेंगे, और इसे एक तरफ से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से आप फोल्ड करके इसके रोल बना लीजिए। तो इस तरह से आप सारे बना के तैयार कर लीजिए, इन्हें अच्छे से चिपकाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं बताती हूँ। इस तरह से चारों तरफ से आप पानी को लगा दीजिए, और इसके बाद इसमें स्टफिंग एक किनारे पे रखेंगे, और इसको फोल्ड कर देंगे रोल की तरह, जैसे हम रोल बनाते हैं। तो इस तरह से आप फोल्ड करके दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए आप सारे रोल्स ऐसे ही तैयार कर लीजिए। तो देखिए, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, तो चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धीमी आंच पे तेल को गरम कर लिया है अच्छे से, और एकदम धीमी आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इन सबको सेलो फ्राई कर रही हूँ,
आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। तो अभी एक तरफ से पक रहे हैं, तो जब एक तरफ से हो जाएं तब हम इन्हें दूसरी तरफ से पलट के सेक लेंगे। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आप दोनों तरफ से इसे सेक लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग ये हमारे बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और फिर ये गेहूँ के आटे के बने हुए हैं तो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट पे। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप भी ज़रूर इसे बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी